हेलो दोस्तों, मेरा नाम किशोर कुमार, तुम लोग देख रहे हैं के कॉप्स हिंदी। आज मैं एक प्रोडक्ट रिवील करेगा। ये प्रोडक्ट सभी लोग को यूज़ हो सकते और नहीं हो सकते, मतलब ये प्रोडक्ट कंप्लीट एडवेंचरस पीपल के लिए। सो इफ़ यू रियली वांट इट देन ओनली बाय इट। सो लेट मी स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग दैट प्रोडक्ट। आई डोंट वांट टू वेस्ट यूर टाइम। These are the product. Let me unbox it. ये कैंपसर आउटडोर कुकिंग सेट है। नेक्स्ट प्रोडक्ट बूस्टर मल्टी फ्यूल स्टोव है। स्टोव के साथ शुरू करेगा, ओपन करेगा। पहला मैनुअल है। फ्यूल बॉटल कैपेसिटी 530 ml, मतलब 450 ml फिल करवा सकते हो। ये कैप फ्यूल इनलेट का प्रोटेक्शन के लिए। बॉटल का स्टैंड स्प्रिंग अलग पे आया था, वो फिक्स करना। स्प्रिंग डोन फ्यूल पंप फिल्टर। इनका कॉम्पैक्ट डिजाइन ज़्यादा पसंद हो गए। स्टोव कॉम्पैक्ट स्टोव देखो कितना कॉम्पैक्ट है, मतलब ये ज़्यादा बड़ा काम करते है। वो मल्टी फ्यूल का पास आते है और गैस भी यूज़ करवा सकते हैं ये स्टोव पे। ये बैकपैकर के लिए डिज़ाइन कर दिए। इनका बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। पिंस ये इनका एडिशनल एक्सेसरीज दे दिए। ये टूल्स रिपेयर करने के लिए सही टाइम पे काम पे आते हैं ये सभी टूल। और देखो ये पिन स्टोव का फ्यूल आउटलेट क्लीन करने के लिए। बैग ये बूस्टर मल्टी फ्यूल स्टोव गैस पे भी काम करते और लिक्विड फ्यूल पेट्रोल डीजल केरोसिन पे भी काम करते। स्टोव विल बी कनेक्टेड विद दिस पाइप। वॉशर रबर एडिशनल फ्यूल आउटलेट। देखो ये कैसे कनेक्ट करेगा। Imagine fuel is already filled. We can turn it however we want. The pump solid hai, strong. Achche build quality hai. If you don't want, you can remove it also. And keep it. No problem. ये छोटा बैग पे लेके जाने के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। ये एडवेंचरस ट्रिप के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये सभी मल्टी फ्यूल स्टोव का अनबॉक्सिंग है। इनका यूजेज देखना चाहिए तो तुम लोग सब्सक्राइब करना। प्रोडक्ट का यूजेज वीडियो और एक वीडियो पे मैं डाल रहा हूँ। कब मैं फर्स्ट टाइम यूज करेगा उस दिन मैं ज़रूर एक वीडियो डालेगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा दो अभी। तो कब मैं डालेगा उस टाइम तुम लोग को नोटिफिकेशन आएगा। और एक बॉक्स है, वो कुकिंग सेट है, आओ उनका भी अनबॉक्स करेगा।
इनका पास क्या क्या आई है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, डायमेंशन, फ्राइंग पैन, पैनकिन साइज, टी पॉट साइज, अवॉइड ड्रूपोस, पर्पस आउट ऑफ द डोर्स, 2 to 3 मेन यूजेज। तीन लोग के लिए ईटिंग बाउल है, ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, मतलब यूज़ हो सकता है, ये वेजल क्लीन करने के लिए, वुडन स्टिक दे दिए इनका पास, ये पानी गर्म करने के लिए, टी गर्म करने के लिए यूज़ होता है, ये स्कूप अच्छे काने लेने के लिए, नाइस। ये टी गरम करने के लिए और हॉट वाटर, ड्रिंकिंग वाटर गरम कर सकते, अच्छे बिल्ड क्वालिटी है, स्ट्रॉन्ग है, स्टडी है, ओके नाइस। पानी है ऐसे डालना चाहिए, ये वाइडली ओपन करके यूज़ करना चाहिए, ये कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है कैंपिंग के लिए। फ्राइंग पैन, फिश फ्राइंग, वेजिटेबल फ्राइंग और ऑमलेट डालने के लिए यूज़ होता है। कुकिंग बाउल, वाटर, ये स्कूप खाने लेने डालने यूज़ होता है, ये भी काम पे आते हैं। स्पून, कुकिंग, सो दिस ऑल विल क्लोज लाइक दिस, अच्छे से पैक करके लेके जा सकते हैं। इनका अंदर स्टोव का थोड़ा पार्ट डाल रहे हैं, हो गई मेरा कॉम्पैक्ट कुकिंग सेट। ओके, ये कुकिंग सेट का वीडियो भी मैं स्टोव का यूजेज का समय पे ये भी डाल रहा हूँ, सो उस टाइम पे तुम लोग को मालूम हो सकते ये कैसे यूजेज है, इनका यूजेज कैसे है, मैं उस टाइम पे शेयर करेगा। और एक बार चैनल कौन कौन नहीं सब्सक्राइब कर दिए करवा दो। और एक वीडियो पे मिलता हूँ, मैं किशोर कुमार, तुम लोग देख रहे हैं केकॉप्स हिंदी, बाय।